हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी कोई बग या ट्रिक पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से, जो कि आपको पोची नॉक में करनी है। आप अच्छे से देख लो लोकेशन कहाँ पे आना है आपको। आपको ये ट्रिक बरमुडा रिमास्टर्ड में करनी है। यहाँ इस ब्लू ऑयल बैरल के पास आपको आ जाना है। आपको इस ट्रिक के लिए 3 ग्लूवाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 3 ग्लूवाल इस तरीके से सेट करने हैं। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको 3 ग्लूवाल कहाँ कहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहला ग्लूवाल डालने के बाद आपको पहले इस पर चढ़ना है, फिर आपको इस हाउस पे जो है चढ़ना है, और इसके बाद आपको 2 ग्लूवाल और लगाने हैं यहीं से। तो आप अच्छे से देख लो 2 ग्लूवाल आपको कैसे सेट करने हैं। देन आपको यहां से जंप करना है पहले वाले ग्लूवाल पे, फिर आपको दूसरे ग्लूवाल पे जंप करके तीसरे ग्लूवाल पे चढ़ना है। देन आपको इस हाउस के ऊपर आ जाना है, और आप यहां पे इस बॉक्स का यूज़ करके इस पे हाइड हो सकते हो, और यहाँ पे आप कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। आप इस बॉक्स का यूज़ एज अ कवर भी कर सकते हो। एनिमीज़ को डैमेज देके आप इस बॉक्स के पीछे हाइड हो सकते हो, जिससे कि एनिमी आपको डैमेज नहीं दे पाए। अभी हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर, जो कि आपको करनी है हैंगर में। बेसिकली ये एक लॉन्च पैड की ट्रिक है। आपको ऑब्जर्वेटरी से लॉन्च पैड यूज़ करना है, उसके बाद आपको हैंगर में चले जाना है। तो मैं अभी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ आपको लॉन्च पैड को कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आप देख लो मैंने लॉन्च पैड को कैसे सेट किया है। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा मैंने लॉन्च पैड को कैसे सेट किया है। देन आपको लॉन्च पैड को यूज करना है। आप इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाओगे, फिर देन आप यहां पे कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, और अपनी रैंक को भी पुश कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया एक हाइडिंग प्लेस है रैंक के लिए। देन जब आपको नीचे उतरना हो, आप अच्छे से यहां पे देख लो फिर से मैं नीचे कैसे उतर रहा हूं, जिससे कि आपको कम से कम डैमेज लगे। तो अभी हम चलते हैं तीसरे नंबर की ट्रिक की ओर, जो कि आपको करनी है एकेडमी में। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको ऑब्जर्वेटरी से लॉन्च पैड यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको ऑब्जर्वेटरी में एक हाउस के ऊपर जाना है, जहाँ पे आप कैंप वगैरह कर सकते हो। तो आप अच्छे से पहले देख लो मैंने लॉन्च पैड को कैसे सेट किया है। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा लॉन्च पैड को आपको किस तरीके से सेट करना है। उसके बाद आपको लॉन्च पैड को यूज़ करके इस हाउस के ऊपर आ जाना है, और आप यहाँ पे कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, और अपनी रैंक को भी पुश कर सकते हो। एंड आल्सो आप यहाँ पे एनिमीज़ को जो है डैमेज भी दे सकते हो, और उनको किल भी कर सकते हो आसानी से। आपके पास हाइट का भी एडवांटेज रहेगा, और एनिमीज़ को जो है आसानी से पता भी नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ से मार रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक स्क्वाड आ गया था, मैंने इनको भी बहुत सारा डैमेज दिया, और लुस्फर भाई जो है वहाँ पे किल हो गए थे, और मैंने एक बंदे को डाउन किया था, लेकिन उसको भी बाद में उन्होंने रिवाइव कर दिया। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कैसा है वीडियो। चलते हैं अभी ट्रिक नंबर 4 की ओर, जो कि आपको करनी है सोशल जोन में। आपको सोशल जोन में जाके बॉक्सिंग रिंग में जाना है सबसे पहले। देन आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो भी बॉक्सिंग रिंग में आके आपको किल करे, और जैसे ही वो आपको किल करे उसके बाद उसको बोलना है कि वो जल्दी से बॉक्सिंग रिंग से जो है बाहर निकल जाए। अभी जो है मेरा फ्रेंड बाहर निकल चुका है बॉक्सिंग रिंग से, अभी आपको भी रिंग से बाहर निकलना है। देन आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप यहाँ पर बैठ के एयरशिप पर चढ़ते थे, आप अभी एयरशिप पर भी नहीं चढ़ सकते।
जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे आके हम एयरशिप पे चढ़ सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे रुका हूँ। पिछले 10 सेकंड से मैं एयरशिप पे नहीं चढ़ पा रहा, और आप यहाँ पे आइलैंड थिएटर में भी नहीं जा सकते, और कोई भी चीज़ जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ टारगेट जोन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ना ही मैं ग्लू स्कूल में जा सकता हूँ, ना ही मैं कम्बार्ड जोन में जा सकता हूँ, ना ही सोशल जोन में, और ना ही हम यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को अपने फ्रेंड पे अप्लाई करके उसको सरप्राइज कर सकते हो, उसको थोड़ा सा तंग कर सकते हो ऐसे ही फन के लिए। चलते हैं अभी हम ट्रिक नंबर 5 की ओर, जो कि आपको करनी है द सर्किट में। आपको यहाँ पे कोई भी कार लेके आ जानी है, जैसे कि रिक्शा हो गया, ब्लू कार हो गई, या फिर जीप हो गई। आप इन सब का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक के लिए। मैंने यहाँ पे जीप लाई है, क्योंकि जीप से जो है ये बहुत आसानी से हो जाती है। तो आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको पीछे से हिट करे व्हीकल से, आप इसके अंदर आ जाओगे फिर। लेकिन इस ट्रिक का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने जब इसमें गया फिर मुझे पता चला कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने फ्रेंड को अंदर ही फंसा सकते हो, जिससे कि जो है वो बंदा बहुत गुस्सा होगा, और आप उसका थोड़ा सा मजाक बना सकते हो ऐसे ही। लेकिन आप इसको रैंक में ना ही ट्राई करो तो बेहतर होगा। और अभी हम देख लेते हैं, अभी हम कमेंट्स देख लेते हैं। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक या बग है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो कमेंट किया है, ये किया है किताबी गेमर्स बाय ने, तो ये बोलते हैं सिथ का डैमेज मैक्स क्लास से भी ज़्यादा है। तो चलिए हम इसे ट्रेनिंग में ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्ला, जो कि आप देख सकते हो इसकी लेवल बिल्कुल मैक्स है। तो चलिए अभी हम ट्रेनिंग में चलते हैं और फिर इस ट्रिक को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्स क्ला अपने फिस्ट से कितना डैमेज देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेड पे 550 का डैमेज दे रहा है, और बॉडी पे जो है अभी हम चेक करेंगे बॉडी पे भी कितना डैमेज दे रहा है ये। तो बॉडी पे ये 100 का डैमेज दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम सिथ का यूज़ करके देखेंगे कि वो कितना डैमेज देता है हेड पे और बॉडी पे। तो अभी हम देख लेते हैं कितनी डिफरेंस है दोनों में। आप यहां पे अच्छे से देख सकते हो, सिथ से जो है हेड पे 643 का डैमेज आ रहा है, जबकि क्लास हेड पे 550 का डैमेज दे रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं बॉडी डैमेज। आप यहां पे देख सकते हो बॉडी डैमेज भी जो है 117 का आ रहा है, जबकि क्ला का डैमेज सिर्फ 100 आ रहा था बॉडी पे। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।